24 में। मैं आपके साथ नौशीन परवीन, पेश है आपके सामने अब तक के मुख्य समाचार। बुरी जालौन श्रीधर लोक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले थाना किला के ग्राम लाडूपुरा में मिशन शक्ति का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी निरीक्षक थाना केलिया महेश कुमार रहे, विशिष्ट अतिथि जिला मोबाइल प्रभारी रानी गुप्ता रही, मुख्य प्रवक्ता रहे पत्रकार एकता संघ के झांसी मंडल झांसी के अध्यक्ष ओम प्रकाश उदेनिया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ शीतला की प्रतिमा पर माल्यार्पण से की गई, तदुपरांत अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के आयोजक पत्रकार एकता संघ के सक्रिय सदस्य चंद्रपाल, पुष्पेंद्र पाल, धीरेश पाल, अमित गुप्ता, आशु प्रजापति, हर्षित पटेल व बजरंग सेना की वाहिनी हर्षिता पटेल, मोहिनी पाल, राधा गौतम आदि ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। बजरंग सेना के जिलाध्यक्ष आशीष गौतम ने इस दौरान मुख्य अतिथि प्रभारी निरीक्षक केलिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि महिलाएं किसी भी प्रकार के अत्याचार को ना सहें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, समस्या होने पर महिला हेल्प डेस्क की मदद लें। महिला शक्ति प्रभारी रानी गुप्ता ने कहा कि महिला शक्ति अपनी शक्ति पहचानने और सशक्त स्वलंब बनने, बच्चों को आदर्श बनाए। कार्यक्रम के मुख्य प्रवक्ता पत्रकार एकता संघ के मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश उदेनिया ने कहा कि माँ बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है, जैसे चाहोगे बच्चा वैसा ही बन जाएगा। उन्होंने डाकू सुल्तान का उदाहरण उन्हें उद्बोधन में दिया। पत्रकार बाबूराम पाल, रश्मि पाल, समाज सेवी प्रधाना अध्यापक अंकित शर्मा, सेना के जिला सचिव अजय दुबे ने भी अपने विचार रखे। फांसी की सजा जब होती है तो नियम है कि वो दुनिया से जा रहा है, एक बार उसकी अंतिम इच्छा को जरूर पूछ लिया जाए। पूछा गया उससे, अंतिम इच्छा क्या है? हम माँ से मिलना चाहते हैं। माँ को बुलाएंगे, माँ आती है तो वो कहता है माँ जरा नजर आओ, किनारे आओ। माँ पास में पहुंचती है, मैं कान में सुनना चाहूँ, मैं कान में बात करना चाहूंगा। माँ कान लगा देती है और वो डकैत माँ के कान को दांतों से खींच लेता है। कोई से छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, किसी तरीके से कहता है कि अगर किसी को बता दोगे तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे, किसी तरीके से धमकाता है। और आप चाहते हो डर के मारे कि मेरा नाम ना आए और इस समस्या का समाधान हो जाए, तो विमेन पावर हेल्पलाइन नंबर आपके लिए एक रामबाण अस्त्र है। आप इस पर अपनी बात बिना डरे कहें, गोपनीयता के साथ उस बात की जांच होगी और सत्यता पाए जाने पर उस पर FIR करके और जो उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसको सजा भी दिलाई जाएगी। तो ये है आपका वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090। इन नंबरों को आप अपने फोन से ही मिला सकते हो, तो आठ पे कॉल कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सकेगा आपके घर पे ही एम्बुलेंस आ जाएगी। 181 ये भी आपकी वुमेन पावर लाइन 1090 पे कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ये सहायता आप प्राप्त कर सकते हो। आप यहाँ पर हो और आपको अपनी बात मुख्यमंत्री तक कहनी है तो जरूरी नहीं कि हम मुख्यमंत्री से मिलने ही चले जाएं। उसका भी एक बहुत अच्छा हेल्पलाइन नंबर है 1076। आप 1076 पे फोन करें और अपने गांव की समस्या, आप अपने संबंधी जो भी समस्या है उसको वहां पर दर्ज कराएं। मगर हाँ, इन हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना है। स्वार्थ कैसा? किसी को ब्लैकमेल करने के लिए या धमकाने के लिए नहीं, हमें अपनी सुरक्षा के लिए ये नंबरों का प्रयोग करना है। ये नहीं कि हमने पुलिस बुला ली, आपको जरूरत है हम आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर हैं। आपको कोई भी जरूरत पड़े, कोई भी बात कहनी है, आप हमसे फोन कर सकते हो। हमारे पर्सनल नंबर भी हम आपको दे देंगे, CUG नंबर दे देंगे और ये जो हेल्पलाइन नंबर हमने आपको बताए हैं ये तो